हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो केमिकल पील्स के ऊपर है कि केमिकल पील्स क्या है और थ्री टाइप्स की जो केमिकल पील्स होती है, सुपरफिशियल केमिकल पील, मीडियम केमिकल पील्स और डीपली केमिकल पील्स, इन तीनों पील्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये तीनों पील्स बॉडी के किस पार्ट के ऊपर वर्क करती है, कैसे काम करती है और इन तीनों पील्स के अंदर कौन कौन से एसिड्स आते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के जिस पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम है या जिस बॉडी पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम है उस पर कौन सा एसिड किस तरीके से काम करेगा, ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को लगता है आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल था, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर केमिकल पील से रिलेटेड, एक्सफोलिएशन से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहती हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी केमिकल्स पील्स के काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और केमिकल पील्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सी केमिकल्स पील्स हैं या किस तरीके से आपके ऊपर केमिकल पील्स काम करती है। एक्चुअल में केमिकल पील्स का काम क्या होता है, केमिकल पील एक लिक्विड होता है एक तरीके का, अलग अलग एसिड्स होते हैं जिनको आपकी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर वाली लेयर में काम करते हैं, कुछ स्किन के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के बीच वाली लेयर में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट होकर डीपली लेयर में जाकर काम करते हैं। तो वो सारे एसिड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया ये होते हैं केमिकल्स जो आपकी स्किन की ऊपरी, बाहरी या मध्यम तीनों लेयर्स के ऊपर काम करते हैं और ये आपकी पुरानी स्किन को रिमूव कर कर आपकी स्किन नई लेकर आते हैं, आपका जो पुराना लेयर होता है उसको हटाते हैं। कई बहुत माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट कर कर रिमूव करते हैं, कई एक बहुत मोटी लेयर के साथ रिमूव होता है और कईयों में बहुत इस बार स्किन को ड्राई होकर उसके बाद स्किन रिमूव होती है फिर एक्सफोलिएट होती है। तो ये होता है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग कराने के बाद हमारी स्किन पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और धूप में आने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, उसको नुकसान भी हो सकता है, वो डैमेज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी स्किन थी उसकी लेयर रिमूव होकर एक नई स्किन निकल कर आई, एक सेंसिटिव लेयर निकल कर आई है। तो ये होता है केमिकल पील। केमिकल पीलिंग हमें क्यों कराना चाहिए? केमिकल पीलिंग जब हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारी स्किन में कोई एज स्पॉट्स है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, डिसकलरेशन हो गया कहीं से, स्किन सन डैमेज की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हाइपरपिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस कंडीशन में हम लोग एक केमिकल पील चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमें कौन सी केमिकल पील चूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये है कि केमिकल पील्स थ्री टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है सुपरफिशियल केमिकल पील्स, सेकंड होती है मीडियम पील और थर्ड होती है डीपली पील्स। मैं इन तीनों पील्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी ये पील्स आपकी स्किन में किस तरीके से काम करती है, आपकी स्किन के किस लेयर के ऊपर काम करती है, इनमें कौन से एसिड्स होते हैं और आपको अपने लिए कौन सी पील चूज़ करनी है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम लोग सुपरफिशियल पील्स की। सुपरफिशियल पील्स में AHA वाले एसिड्स होते हैं और माइल्ड पील्स होती हैं काफ़ी सारी। AHA मतलब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये AHA वाले जो भी एसिड्स होते हैं वो आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर में काम करते हैं सिर्फ, तो ऊपर वाली लेयर में काम करते हैं तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स में जो भी एसिड्स यूज आते हैं वो सारे एसिड्स सुपरफिशियल पील्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं और ये सिर्फ आपकी स्किन के ऊपरी जो लेयर होता है उसको एक्सफोलिएट करने का काम करता है, बहुत माइल्ड ड्राइनेस होकर। जैसे आपने आज यूज़ किया तो 5 दिन, 10 दिन या 7 दिन बाद आपका पील होना शुरू होता है, कोई मोटी मोटी लेयर्स रिमूव नहीं होती, बहुत माइल्ड तरीके से ड्राइनेस होता है और ड्राइनेस होकर आपको पीलिंग होता है, बहुत माइल्ड पीलिंग होता है ये। और इसमें और भी काफ़ी सारे माइल्ड एसिड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ये आपके फेस की प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी नेक की प्रॉब्लम के लिए या फिर आपके हैंड्स की प्रॉब्लम्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, आपकी स्किन में और भी अगर कोई माइल्ड प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए सुपरफिशियल पील्स हमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग सेकंड की। तो सेकंड है मीडियम पील। मीडियम पील्स के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड है और ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड है। ये दोनों आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने बहुत सारी पील्स में आपको इन दोनों का बताया भी है। तो ये दोनों एसिड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं ये आपकी स्किन के आउट लेयर में भी काम करते हैं, मिड लेयर में भी काम करते हैं। आउट लेयर ये आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट होकर आपका जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर भी काम करते हैं और आपकी जो मिड लेयर होती है मतलब जो बीच का एरिया होता है, जो मध्यम एरिया होता है पेनेट्रेट होकर, ये उसके अंदर भी काम करते हैं। ये आपकी स्किन की
किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है, या आपके डिस्कलरेशन पे काम करता है, फ्रैकल्स पे काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, एज स्पॉट्स पे काम करता है, फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है, रिंकल्स के ऊपर काम करता है, अगर आप लोगों ने एक्टिनिक केराटोसिस सुना है ये उसके ऊपर भी काम करता है, लेकिन ये डॉक्टर के सजेशन के ऊपर ही किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डीप पील की। डीप पील के अंदर एक तो फिनॉल आता है, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड आता है, ये आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट होकर डीपली आपके अंदर वाला जो डीपली लेयर होता है उसके ऊपर भी काम करता है, साथ ही आपकी मिड लेयर के ऊपर भी काम करता है और ये काफ़ी थिक लेयर बनकर रिमूव होता है। वैसे तो ये डॉक्टर की सजेशन पर ही की जाती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग खुद भी डील कर सकते हैं बहुत माइल्ड एसिड्स घर में यूज़ कर, लेकिन फिनॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो ये डॉक्टर ही यूज़ करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स देखकर। जो बहुत लॉन्ग टाइम के एज स्पॉट्स होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, या फिर शैलो स्कार्स होते हैं, ये उस कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए दोनों एसिड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। और ये कंटिन्यू भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत लॉन्ग टाइम में यूज़ किया जाता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इस तरीके के गैप में ही आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको इसको कितना सेटिंग करना चाहिए या उनको आपको कितना सेटिंग देना चाहिए। तो ये थी 3 पील्स जो मैंने आप लोगों को बताया इनमें कौन कौन से एसिड्स आते हैं और ये आपकी स्किन पर किस तरीके से काम करते हैं। तो ये था केमिकल पीलिंग का वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। जितना मुझे इस चीज़ की समझ थी मैंने आप लोगों के साथ अपना वो नॉलेज शेयर किया है और मैंने समझा है इसको और मैंने पूरी कोशिश की मैं आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर या मेरे किसी भी वीडियो को लेकर तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी है NewRashi123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं देर से जवाब दूंगी लेकिन आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू।